हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जगह की सैर करने ले जा रहा हूँ जहाँ आप देखते ही देखते हैरान रह जाएंगे। अब देखो भाई, ये है पुलिस वाले साहब जा रहे हैं आप बड़े आराम से, कुछ नहीं है, बगैर मास्क पहने वाला बंदा उसके पास से आया हो, कुछ बोलने का नहीं, कुछ नहीं भाई, कोई लेन देन नहीं है, करोना बिरोना कुछ लेन देन नहीं इन लोगों को। अब देखो, जब 1853 में, मतलब 1853 में जब ट्रेन इंडिया में आई थी ठाणे से मुंबई, जब चलाई गई थी तो अंग्रेज़ लोगों ने लाई थी। अब ये है अपने बंदे, ये देखो हाथ में कचोरी, एक सामान ले भाई तू भी ले ले, बस इतनी क्राउड है कि पूछते ही हिसाब नहीं भाई। हाँ ले लो ले लो ले लो, इतनी जनता है। अब ये कहाँ का स्टेशन है ये तो नहीं मालूम मुझे, पर है बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग। कुछ लोग मास्क पहनते हैं तो कुछ नहीं पहनते, ले ओ कचोरी खाने के लिए सब के सब हाजिर। हाँ किसी को लगता है हो जाएगा कोरोना, किसी को लगता है नहीं होगा। वाले वाले खा ले भाई, मैं तेरी शूटिंग नहीं निकाल रहा हूँ, बस खा ले ये। चलिए आप, ट्रेन जा रही है अब ये ट्रेन, और आगे देख भाई तुम दरवाजे में खड़ा रहे, मतलब तुझे कुछ मरने डरने का मतलब कोई गरज नहीं यार, मरा तो मरा क्या है, 2 दिन की जिंदगी। हाँ तू भी लटक ले भाई, ऐसे ही लटकते रहते, तू भी देख ले क्या है बाहर कुछ। अच्छा लगता है ना दरवाजे में खड़ा रह के, हाँ तू भी देख ले, बहुत भारी नज़ारा दिखेगा, जब पटकेगा ना तब समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप ये अपना जो देश में जो हरकतें चलती है ना, तो वो देख लो आप, क्या क्या हरकतें क्या क्या होती है क्या नहीं, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो समझ में आया कि इतने सारे हादसे होते हैं, तो देख लो एक बार इनके ही तरफ देखना है, ठीक है। दो तरफ से ट्रेन आ रही और ये भाई जा रहे, देखो कोई मास्क नहीं यार, करोना खत्म हो गया शायद। चलो ये भी आ गई, पीछे से एक ट्रेन आ गई भाई, अंग्रेज लोगों ने लाई थी, अब क्या करें, अब थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो भाई कचोरी बेचो, पानी की बोतल बेचो, करोना भी ले लो उसके साथ। ये बंदा अंडर पैंट पे जा रहा है, इसे कोई मतलब नहीं भाई, डब्बा लेके आया डब्बा लेके जा रहा है अभी। यहाँ लटक ले, तू भी लटक ले भाई, गिरा तो क्या है, सरकार तो दे देंगी उठा के फेंक के, है ना, तो गिरने का कोई डर नहीं यार, जिंदगी बहुत सस्ती हो चुकी है। हाँ आप देखना, ये रुक गए, ये आ भाई ये अंकल देखो, अपने बाप का घर का है सब, ये सब फ्लैट ब्लैट। हाँ चलो तुम साइकिल लेके आएंगे, तुम बैलगाड़ी लेके आएंगे। हाँ देखो बिंडोगो का बाजार है भाई, कितना भी सुनाओ इनको कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा, इनके साइकिल लेके जाएंगे। हाँ चलो आप क्या करें, पेट का सवाल है भाई, बिजनेस तो करना ही पड़ता है। देखो ये देखो भाई, कुछ लेन देन नहीं यार, अभी उड़ी डाली है। चलो ये आया उधर से, डब्बा रख के आ गया बेचारा। हाँ चलो भाई तुम भी चलो, बहुत ही अच्छा है भाई, हिलाते हिलाते चलो, बिरयानी क्या क्या बेचेंगे कुछ बोल नहीं सकते भाई ये लोग। चलो चलो वो भी खा लो तुम, हाँ मतलब सब तरफ डिस्प्रेड करो पेंडेमिक, हम बाद में दे दे के थक गए हैं लोग, अब क्या करेंगे। हाँ 2 नंबर का है, पूरे दुनिया में 2 नंबर की क्राउडेशन है भाई, बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो गई है, क्या करें। अच्छा तो भाई मैं, मेरा बोलने का मतलब ये कि है कि ये जो दिखा नहीं जा रहा हूँ ना मैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार अपन ने कैसे रहने का, क्या रहने का, कैसे चलने का, कैसा इसका इस्तेमाल करने का। ये देखो लटक रहा है बेचारा ये भी। हाँ अभी चलती ट्रेन में ये बंदा दे देगा बॉटल, फिर गिरेगा एक आधा, फिर आएगा सीसीटीवी में, फिर फुटेज, और फिर सब तरफ क्या है, बस आते दिन जाते दिन ऐसी गंदी गंदी पब्लिसिटी करते रहने का। बस हमारे देश में ऐसा हुआ भाई, हमको हमारे देश से बहुत प्यार है, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। आगे देखो क्या होता है, थोड़ा रुको थोड़ा आगे देखो आगे। हाँ तू लेके चल भाई ट्रेन के नीचे जा, उधर थोड़ा दूर नहीं जाएगा तो। अब ये टोकोरा बहुत दिन, आप क्या है कुछ समझ, ये देखो कुत्ता, कुत्ता देखा आपने, हाँ राइट कुत्ता देखा है ना, कुत्ते गधे सब आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ देखो ये उसको आदत हो गई, वो क्या गांव के तरफ का कुत्ता लगा क्या आपको। हाँ ना 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 ना, गांव के तरफ का नहीं भाई, बहुत इंटरनेशनल कुत्ते हमारे यहाँ पे, ये देख लो अभी, ये कोई हका लेगा नहीं उसको, है कोई नहीं।
चलो भाई, तूने ना कितना भी देखा हो आदमी की तरह, वो तुझे कचोरी नहीं देने वाला, क्योंकि हाँ तुम्हारा रिलेशन डेली का है भाई, तुझे कोई हकलेगा भी नहीं। तुझे समझ में आना चाहिए कि ट्रेन के पास जाने के बाद क्या होता है, तो इसलिए तू उसके पास नहीं जाएगा भाई, तू बाजू हट जा। राइट राइट, ये हुई ना बात। अब तो ये है कुत्ता और उसके साथ भी और कुछ आएंगे, हालू हालू देखो भाई क्या होता है, देखो तुम थोड़ा सा फिर समझ में आएगा कितनी डिसिप्लिन है। ये बहन जी जा रही है बेचारी, क्या करे, हर एक को जिंदगी की पड़ी हुई, जा रही प्रवास कर रहे होंगे कहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कुत्ते ने काटा बीटा नहीं है, क्योंकि उनको आदत हो गई। चलो ये ट्रेन के पीछे जो दिख रहा है ना सिंबल तुमको क्रॉस वाला, इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्रेन के पूरे डब्बे आके ले जा रहे हैं भाई, कोई गैरादी काम किया नहीं हमने, आधे डब्बे छोड़ दिए और आधे लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब क्रॉस, ये देखो बंदा अभी एक खा रहा है बेचारा, बच्चों की कुछ याद भी नहीं आ रही होंगी इसको, ये दो 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 कुत्ते, एक काला एक लाल, खुजा ले भाई सबको, खुजली कर दे तू बस, खुजा ले खुजा ले खुजा ले। हाँ मैं बोल रहा था कि जो क्रॉस दिख रहा है ना, तो ट्रेन के पीछे के डब्बे में जो क्रॉस लगी हुआ रहा था बड़े रेड साइन में, इसका मतलब ये होता है कि भाई हम सब ट्रेन के पूरे डब्बे ओके है, फिट है, हम जा रहे हैं भाई। हाँ तू खा ले भाई, बार बार जा, बार बार कचोरी खिया, बीबी बच्चे को कुछ देव न को तो कुछ सोचू न को भाई, क्या करे पापी पेट का सवाल है, खा ले पेट भर के। चलो तो फिर ये क्रॉस वाला जो डब्बा दिखता है ना सबसे पीछे रहता है ट्रेन की, इसका मतलब कोई गैरादी काम हुआ नहीं है, सब ओके है, पूरी की पूरी ट्रेन फिट, एकदम सेफ्टी है, ग्रीन फ्लैग ग्रीन झंडी दिखा के जाते हैं वो लोग। तो अगर डब्बे के पीछे क्रॉस नहीं नजर आया तो समझ जाना आधे डब्बे पीछे रह गए, पीछे रह गए आधे डब्बे, या कोई डब्बा पीछे ही है, इसलिए वो जब क्रॉस दिखाई देगा ना हरी झंडी दिखाने वाले को, तो समझ जाना सब ट्रेन सेफ है भाई, सब सब हम कोई गहरादी काम किया वाने। ये देखो ये भी, ये देखो ये थैले में क्या देख रहा है भाई तू, थैले में कुछ भी नहीं होगा, हाँ क्योंकि इनका डेली का है, अब क्या करे, ये उनको मालूम है कुछ नहीं मिलने वाला। चलो ट्रेन भी खड़ी है और देखो ये ट्रेन खड़ी है ना, कोई कुछ नहीं होने वाला इनका भाई, चलो क्या महफिल भरी हुई है ये। तुम ला रहे ना बुलेट ट्रेन, लाएंगे बुलेट ट्रेन ऐसी जगह पे बुलेट ट्रेन। अरे भाई बुलेट ट्रेन लगाने के बाद ये देखो बंदा, डाल डाल डस्टबिन में, नको डालो, हाँ वही डाल दे, शाबाश वेरी गुड, क्या बात है, अपने बाप का है ना, चल डाल दे वहाँ पे। ये है भाई पेट्रोल के डब्बे लाने वाली ट्रेन, ठीक है। अब ये जो लेके जा रही ना, तो समझ में आएगा आपको कि यार पेट्रोल तो अब बहुत सस्ता होने वाला, सस्ता नहीं होगा, ना 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 सोचो मत, गलत नहीं सोचना है भाई, कोई पेट्रोल सस्ता बिस्ता नहीं होगा, 100 है ना अभी 200 तक जाएगा इलेक्शन आने के बाद, थोड़ा 2-4 रुपये कम करने का, देखो हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया। अरे भाई थोड़ा सोचो किसको चुन के लाने का किसको नहीं लाने का, 200 रुपये तक जाएगा ना, गैस भी महंगा होगा ना, फिर बोलेंगे अरे यार क्या फिर, और वही मैं नहीं बोलूँगा यार किसको चुन के देने का क्या नहीं, पर ये पेट्रोल के डब्बे आपके वास्ते नहीं, ये तो गारंटी है भी ना, तो 100 रुपये तो अभी देने पड़ेंगे, अभी फिलहाल 100 चालू है रेट, 100 रेट चालू है अभी पेट्रोल का, अभी रुको थोड़ा, अभी 2024 आने तक तो तुमको क्या क्या निभाना पड़ेगा भाई, और उसके बाद फिर जाएंगे 2-4 रुपये कम करने का, बोलने का अरे यार पेट्रोल तो बहुत सस्ता हो गया, बहुत सस्ता कर दिया हमने, आप दो हमको, हाँ मतलब 70 रुपये लीटर का पेट्रोल गया ना, 150 तक जाएगा, फिर 200 तक जाएगा, जब चुना आएंगे 2024 के, तब और बोलेंगे कि यार हम तुम्हारे खाते में इतने पैसे डाले उतने पैसे डाले, हाँ बिंडो गए ना, क्या करेंगे यार, दुनिया सोचती नहीं तो फिर हम कितना, यही के वास्ते तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके वास्ते। ये देखो आए पेट्रोल वाली ट्रेन, इसमें सब में पेट्रोल ही पेट्रोल है, और पीछे हरी झंडी दिखाने वाला आदमी कोई नज़र तो नहीं आ रहा, शायद अंदर होगा वो, क्या करे हर बार हरी झंडी दिखा दे, वो भी तंग आ गया होगा ना, नहीं तो पीछे हरी झंडी दिखाते रहते, भाई मैं आ गया सेफ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे डब्बे लाए है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ कोई दिखता है क्या, नहीं कुछ लेन देन, आराम से अंदर बैठा होगा, जान दे यार क्या करने का है ना, हरी झंडी दिखा दे कभी कभी सोते रहते हो। चलो ये आगे जा रहा है ना, अब दोस्तों ये तो मैं बनाया वीडियो इसके वास्ते कि ये जो गैरादीपना चलता है ना, ये देखो कुत्ता भी डरता नहीं ट्रेन को भाई, आदत पड़ चुकी है, क्या करे, एक बार गंदगी में रहने की आदत पड़ी ना तो आदमी वही 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 काम करेगा, नो प्रॉब्लम। ये सफ़ेद जो डब्बा दिखता है ना सफ़ेद वाला, वो
उसमें हरी झंडी दिखाने वाला बेटे भाई रहता है, उसके पीछे गोल गोल है, उस पर भी क्रॉस लिखे भाई। इसका मतलब उसको दो दो नहीं एक ही डिब्बे था, ये सब कंप्लीट है, ऐसा समझ जाने का है, पूरी ट्रेन आ चुकी है। ओके थैंक यू भाई, सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उतना करने हैं, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मैं अपन ही थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं अपने देश को, इसके वास्ते बना के रखे ही वीडियो, थोड़ा थोड़ा चेंज करने की